मध्य प्रदेश में अब गर्भवती महिलाओं को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। ये बात चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में कही। उन्होंने कहा इसके लिए वैक्सीन सेंटरों को वैक्सीनेटरों को ट्रेनिंग दी गई है। मंत्री सारंग ने कहा गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने से पहले उनकी काउंसलिंग करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक की स्टडी कहती है यदि गर्भवती महिला में वैक्सीन लगती है तो ये नवजात शिशु और महिला के लिए या एक बड़ा सुरक्षा कवच स्थापित होती है। से वैक्सीन लगवाए, गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में आज सभी जगह वैक्सीनेटर को ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि वैक्सीन लगाने के पहले गर्भवती महिला की काउंसलिंग करना और ये सुनिश्चित करना कि वो स्वयं की इच्छा से वैक्सीन लगवाए, क्योंकि अभी तक की स्टडी ये कहती है कि यदि गर्भवती महिला में वैक्सीन लगती है तो नवजात शिशु के लिए और गर्भवती महिला के लिए ये एक बड़ी सुरक्षा कवच के रूप में स्थापित होती है। इसलिए अब आगे आने वाले समय में गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन लगेगी, पर उससे पहले वैक्सीनेटर को समुचित इसकी ट्रेनिंग देने के लिए आज का दिन चुना गया, और इसीलिए आज वैक्सीनेशन डे पर ये सुनिश्चित किया गया कि ज़्यादा संख्या में ट्रेनिंग की जाए और ट्रेनिंग के बाद ही वैक्सीन लगाई जाए, इसलिए बहुत स्थलों पर आज वैक्सीन नहीं लगी, ट्रेनिंग हुई है।